अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। और आप सबको मैं 30 सालों से जानती हूँ, आप लोगों से इस टोन में बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन किसकी बातों में आप आ रहे? कुछ लोग शराफत के लायक ही नहीं होते, इतने बदतमीज होते हैं कि उनसे बात करने के लिए भी बदतमीजी पे उतरना पड़ता है। आप लोगों को नहीं पता इसने मेरे साथ, मेरी आई के साथ, मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया है। ये मुझे क्यों बदनाम करना चाहेगी, इसका अंदाजा लगाने में आप लोगों को मुश्किल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता ये बिल्डिंग की औरतों को हो क्या गया, उनका अपना दिमाग नहीं है क्या? ईशिका की बातों में आ रही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना शोर शराबा हुआ, विराट सर नीचे क्यों नहीं आए? आते तो मैं बात क्लियर कर देती ना। वही अमु अमु देख, विराट नीचे नहीं है तो क्या हो गया? तू बात कर मेरे फोन से, बात कर। लेकिन सासू मैं, हर्ष और आजी आएंगे तो मैं संभाल लूंगी ना, मैं दरवाजे पे हूँ। हाँ तू बात कर, मैं फोन करती हूँ। नंबर नहीं लग रहा, शेखर सर को फोन करती। हेलो। हाँ सर, मैं अमृता बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो। विराट सर हैं क्या आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ तुम ऐसे, सुनो सुनो सुनो, विराट ने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी उनसे बात करनी है, बताना है कि पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी मैंने कहा वो क्यों कहा। आप एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें कहिएगा कल सुबह 9 बजे वो एक्वा प्राइम होटल आ जाए, मैं उन्हें सब बता दूंगी। मुझे फोन रखना होगा। हाँ ठीक है ठीक है, चिंता मत करो, 9 बजे पहुंच जाएगा विराट। हाँ ठीक है। जानकाओं के पीछे क्यों छुप रही है? मैं तुझे खाने वाली हूँ। नहीं अजीब, वो अजीब वो सोसाइटी की औरतों का ना कुछ मचमच चल रहा था, और वो ईशिका भी परेशान करती है ना बिल्डिंग में, और हम लोग ऐसे जहान आंटी के घर में ऐसे ही आ गए। मतलब कोर्ट ने अभी तक पेपर्स नहीं दिए ना, हम ताला तोड़ के अंदर आए हैं तो कभी भी कोई भी परेशान कर सकता है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि कल सुबह अगर हम किसी होटल में रहने चले जाएँ तो। हाँ हाँ आई, बिल्कुल सही है। क्या है, अभी कागजात हाथ में आने में 3-4 दिन और लग जाएंगे ना, तो तब तक यहाँ पे रहना इल्लीगल है, तो होटल होटल बिल्कुल सही है। तुझे क्या लगता है? लगने का क्या, निकलना है तो चलते हैं। बोरे भी सर बांधो। थैंक गॉड, अब मैं सर को फाइनली सब कुछ समझा पाऊंगी। भवानी चल चल, कड़ी क्या, निकलना है, बोरे बिस्तर बांध चल। हाँ किन, कौन से होटल? होटल एक्वा प्राइम। जान सामान बात दे। चल जा। आई होप आज मैं विराट सर को उनके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। आजा आजी। हर्षे तुझे ये एक्वा प्राइम का एड्रेस पता है ना? हाँ हाँ मुझे सब पता है ताई, तू टेंशन मत ले, ये ले दवाई खा तू, वरना तेरे घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा ना, अभी अभी डॉक्टर से लेके आया हूँ। थैंक यू, स्वीट तो है तू। वैसे शेकी, मानना पड़ेगा बैंकर की स्मार्टनेस को, अरे अपनी आजी से भी ज्यादा स्मार्ट निकली हो। सोच, उन प्रिंसिपल मैडम के नाक के नीचे उसने इतनी प्लानिंग कर ली और उसकी खड़ूस आजी को कुछ पता भी नहीं चला। बट एक प्रॉब्लम है। क्या? उसकी जो स्मार्टनेस है ना, उसकी वजह से मॉम और बेबे को लगता है कि बैंकर मेरे पीछे पैसे के लिए पड़े हैं, और मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। पास्ट में मेरे साथ जो हुआ ना, बैंकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, इतना भरोसा तो है मुझे उसमें, है ना? मुझे भी भरोसा है।
अच्छा सुन, मैंने सबको नीचे बोल दिया है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि तेरे इस फोटो कार्ड से नाराज हो गए, तो उनसे हम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। परफेक्ट, चल। मामू, तुझे नींद आ रही है? पीछे सर, पीछे सर रहे, आराम से सो जा। अरिशु, अब हाँ, ड्राइवर को गांव का पता बता दे। ठीक है। अच्छा दादा, गांव का? हाँ, हम गांव जा रहे हैं। अब आई गांव इस वक्त? तो क्या मुहूर्त देख के जाएंगे क्या? नहीं सासु भाई, फिर अमू को बताना पड़ेगा ना। अमू गांव पहुंचने के बाद उसकी नींद खुल जाएगी, वो अपने आप समझ जाएगी हम कहाँ आए हैं, किस लिए आए, सब समझ जाएगी। और उसकी नींद इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं। क्यों? हर्ष ने अभी जो गोली दी थी ना, वो नींद की गोली थी। क्या? यह हमें होटल में लेके जाने वाली थी ना, वो कौन सा होटल, नाम भी याद नहीं है। वहाँ उसने विराट से मिलने का प्लानिंग करके रखा था। तुमको क्या लगा मेरी समझ में नहीं आएगा? अरे मैं आमू की आजी हूँ, उसके बाप की आई, मेरे सामने इसकी होशियारी नहीं चलेगी। इसका मतलब तुझे तुझे सब पता था? भवानी, बच्चों की भलाई के लिए बड़ों को कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी भलाई विराट को ना मिलने में ही है, समझ में आई बात? सासु भाई ऐसे मत करो ना। भवानी, दुनिया बच्चों का सही गलत माँ की आंखों से देखकर तय नहीं करती। बात इतनी आगे गई तब तक तू आंखें बंद करके बैठी ना, तो अभी थोड़ी देर के लिए तू आंखें बंद करके ही बैठ। गांव पहुंचने के बाद तुझे अमू का पक्ष लेना है, तू ले, तब तक तू चुप बैठ। अमू विराट से मिलके बात करने का सोच रही थी, और अब हम इसे बिना बताए गांव ले जा रहे हैं, ये इसे पसंद नहीं आएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।